देखिए इस दुख की घड़ी में हम लोग, हम सब भाई यहाँ पे इस परिवार के साथ खड़े हैं, आजीवन खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो सुन के विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। आज अपने दम पे, अपने एक्टिंग के दम पे हमारे भाई सुशांत भाई जो है पूरी दुनिया के लाडले बन गए। आज बहुत दुखी हैं हम लोग कि आज हम लोग अपना भाई खो दिए, अपने मिट्टी का लाल खो दिए। मैं यही कहूँगा कि इसका, इस मामले का जो है वो उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी है सच वो सामने आए। और जितने भी हमारे मीडिया से भाई हैं, आप लोग के अंदर जो अभी एनर्जी बना हुआ है, आप लोगों से ही आग्रह हुआ हमारे पवन सिंह बन के, हम आप लोगों के छोट भाई बेटा बन के, कि आप लोग जो इस एनर्जी में हैं, आप लोग तब तक एनर्जी में रहेंगे तब जब तक मेरे भाई का सच सामने ना आ जाए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर क्या बोलेंगे? वो बॉलीवुड में स्ट्रगल करते रहते हैं, उनके लिए अब आगे क्या करना है? एक सुशांत तो चला गया। मैं यही कहूँगा कि हमारे यूपी बिहार से जितने भी नौजवान अपने कलाकारी के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ें, और आगे से ऐसा कुछ ना हो। मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, आजीवन खड़ा मिलूंगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके से पूरा परिवार बात, मैं देखिए मैं यही कहूंगा कि गुटबाजी जो है, राजनीति जो है, अपना अपना एक ग्रुप है, वो हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है। तो हमको, मैं यही कहूँगा एक कलाकार होने के नाते कि इसी माहौल में हमको भी रहना है, संघर्ष करना है, ज़िंदगी भर हारना, हार नहीं मानना है। और जो भी है, मैं ज़्यादा यहाँ बोल नहीं पाऊँगा, बोला नहीं जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि बस जो भी है वो सामने आए। परिवार को खुशी नहीं मान रहा है। पवन सिंह क्या करेंगे? पवन सिंह आगे क्या करेंगे? बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं पवन सिंह। मैं इस परिवार के साथ अभी खड़ा हूँ और सरकार से मांग करूँगा कि इस मामले का जांच हो, उस उच्च स्तरीय जांच हो और सच सामने आए और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। भोजपुरी के बहुत सारे आरोप लगाए जा रहा है। देखिए मैं जब तक सामने सच नहीं आएगा तब तक मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। और जो आप लोगों ने अभी बोला कि ये परिवारवाद जो भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस परिवार से पवन सिंह एक सिंगर हैं या एक्टर हैं तो पवन सिंह के बाद पवन सिंह का भतीजा और भाई ही हीरो बने या सिंगर बने। मैं यही कहूंगा कि जिसके अंदर कलाकारी है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो मेहनत करें और आगे बढ़ें, और मैं उन लोगों के साथ हूँ। जांच हो रहा है, धैर्य रखिए, सच्चाई सामने आएगा। भोजपुरी में भी है।